और धीरे धीरे काफी व्यवस्था बढ़ गई। हम शहीद के लिए बहनों हर साल हमारे अफसरों से संपर्क करते थे, इनकी भ्रमण करवाते थे और सहयोग करते थे, अफसर भी सहयोग करते थे, मंत्र से करते साथियों के उस दिन जो सीन बनी डाला डेड बॉडी उतारने के लिए अंदर पड़े तो हमारे इतने तेरे खून में बन चले, इतना खून हुआ बेबी। आर्मी से बढ़कर हमारे रेल कर्मचारियों ने बहुत सहयोग किया, जब ही काम पड़ा उस टाइम हमारे खड़ी के चित्र गांव के चौधरी की दिल्ली थे, थोड़ी की व्यवस्था नहीं थी, रात को ट्रेन लेके जैसी ने कही तो विकेट ने कहा कि एक जवान को एक ही दिन पड़े तरीके से रखा और इसमें हमें सहयोग तो आप सदैव देते आए हैं। कुछ वर्ष पूर्व जोधपुर के अंदर आपके रेलवे यूनियन का एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसके अंदर पूरे भारत से रेल कर्मी आए थे और मेरे को भी सौभाग्य मिला था और मैं आपके पास निवेदन लेके आया था और आपने उसमें हमारा पूरा इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपने सहयोग किया और सहयोग करने के लिए आपने पूरी कोशिश का हमें भरोसा दिलाया। हम आपके बहुत बहुत आभारी, मैं तालियों से स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान मनोज जी प्रयास साहब का। भैया जी, सोनू जी, आपका जो ज्ञापन है वो आप गोविंद राम जी चौहान तक पहुंचाएं, इसके माध्यम से हम आगे की बात रखेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही खुशी की बात है कि जैसा कि मनोज जी प्रिया साहब ने अभी हॉल और लेटरिन बाथरूम की बात की है, तो हमारे स्थानीय सरपंच साहब का भी मुझे समाचार मिला कि अगर रेलवे अनुमति दे तो ये हॉल हम बना के दे देंगे बीएडीपी बजट के अंतर्गत। जैसा आप हॉल और शौचालय का निर्माण कर लेंगे। हमें तो काम है कि सबसे प्रमुख और निवेदन यही है कि हमारे रेल सेवाओं का विस्तार करते हुए दूसरे फेरे का लाभ दिलाएं और साथ ही निवेदन करना चाहूंगा मैं डीआरएम साहब से, क्योंकि अब आप हमारे बीच आपको बुलाने से पूर्व एक और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। डीआरएम साहब, भारत और पाकिस्तान एक देश थे और 1902 में ये रेल लाइन बिछी थी और उस समय जो रेल लाइन के दौरान जो रेलवे स्टेशन चिन्हे थे जहाँ आबादी थी उस समय, लेकिन विस्थापन के विभाजन के दौरान और लगातार युद्धों की स्थिति में और यहाँ की जो पब्लिक है वो कई जगह आगे पीछे हो गई, विस्थापित हो गई, जिसके कारण बीच में कुछ स्टेशन है, खड़ीन है, तामलोर है, लीमा है, जसिंदर है, अब वो स्टेशन बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है। लेकिन वहां से थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हुई है तामलोर गांव के जो मुख्य क्रॉसिंग है वहां से वो आसानी से चल सकते, तो मेरा निवेदन है कि जो बंद हुए रेलवे स्टेशन अगर वहां पे रेलवे को रुकने की अनुमति दे दी जाए तो उन सरपंच साहिबान से आप कहोगे वैसे रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग वो बनाने के बनाकर देने के लिए तैयार है, आप वहाँ रेलवे के स्टॉपेज कराने की अनुमति प्रदान कराए तो वहां पे वो बिल्डिंग बनाने कर देने के लिए तैयार है। हम सभी को आपने सुना और हमारे सुझाव भी सुने, अब उन सब की आपका जवाब जानने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, इसलिए मैं आज के मुख्य वक्ता और हमारे आदरणीय और हमारे बीच पधारे जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक महोदय श्रीमान गौतम जी अरोड़ा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे पधारे और अपने वाणी से हमें अनुग्रहित करावें। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय जी, यहाँ पर उपस्थित हो रहा है उस दौरान जो पूर्व में रेलवे स्टेशन है वो बने थे, अब वो बंद है लेकिन सुनसान पड़े हैं, तो वो किसी भी दिन एक सुरक्षा के दृष्टांत लगा सकता है। जैसे तामलोर का है, लीलमा का है,
और इधर खड़ीन का है, वहाँ क्या अभी स्टॉपेज बंद हो गया ट्रेनों का, लेकिन वो अभी बंद पड़े हैं। वो बिल्डिंग है वो ऐसी खाली पड़ी है, जबकि रेल ट्रैक के एकदम पास में है। तो वहाँ सुरक्षा या एक सुझाव है कि उसको जहाँ अभी आबादी क्षेत्र है एक दो किलोमीटर के अंदर ही है, तो वहाँ पे स्थानांतरित करके वहाँ नए रेलवे स्टेशन शुरू कर सकते हैं। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, इसे हम दिखाते हैं। धन्यवाद। जब ये हादसा हुआ इस दौरान क्या क्या हुआ? जब ये हादसा हुआ तो उस दौरान गाड़ी जो है वो जिस शहीद स्मारक पर यहाँ बना हुआ जगह वहाँ गाड़ी थोड़ी स्लो पड़ गई और मिलिट्री पर्सनल्स थे वो नीचे उतर गए, उन्होंने पोजीशन ले ली और बाकी जो कर्मचारी थे वो अवाक रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। इतने में जो ट्रेन से रेल इंजन के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को आते हुए देखा तो उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा छर्रा लगा हुआ था और वो कुछ खून वून भी निकला हुआ था, घबराया हुआ था। मिलिट्री वाले तो उसको भाप गए और नीचे उतर गए और उसके बाद में उन्होंने हमको जगाया, मतलब हम थोड़े से अचेत सी अवस्था में हो गए थे, उन्होंने आज डिब्बे को संभाला। डिब्बे के पीछे पहले था कि गाड़ी ब्रेक ले चले बाड़मेर, लेकिन डिब्बे के पीछे चेक किया तो रेलवे लाइन टूटी हुई थी, इसलिए वो सारे उतर गए। कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त भी हो गए और आगे जाकर के इंजन में उन्होंने कहा कि आप मास्टर जी अगर इंजन में आप चढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ चलिए और पैदल जाना चाहो तो आपकी इच्छा है। मैं इंजन में सवार हो गया और हम गडरा स्टेशन तक पहुँचे। तब तक मेरे शरीर पर जो कपड़े थे उनके ऊपर खून लगा हुआ था और दुर्भाग्य से उस समय जब हम गांव में घुसे तो वहां भी स्नान करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हवाई जहाज द्वारा निरंतर 10-15 मिनट के ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी और मोर्चों में बैठे रहे। ये 9 तारीख का हादसा हुआ।